कि लोग अगर मेकअप कर जाता है तो फिर मुंह से सिर्फ अंग्रेजी निकलती है, जैसा कि जैसे लड़कों को ऐसा, अरे आम करती हो, सुबह शाम करती हो, अपने लिए करती हो, कौन सा एहसान करती हो, रोज पार्क पूरक जाती हो, कितना दौड़ लगाती हो, सैलड फैलड खाती हो, कैसे जिंदा रह पाती हो, अच्छा खाओ, कॉलेज जाओ, फ्रेंड बनाओ, उम्र तुम्हारी क्या है, इतना वजन उठाती हो, सुपर मॉडल बनने जावा, इतना दी है। कैसे हो आप सब? आपका खेत, आलू का खेत देखिए, बड़े दिनों बाद मिल गए हैं अतुल भैया। जनजीवन के बारे में भी आपको दिखाते हैं आज। अगर आप बाहर से शहरी क्षेत्र से आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आइए आज ग्रामीण जनजीवन दिखाते हैं, ग्रामीण रहन सहन। अभी हम आ चुके हैं अपने खेतों में और ये देख सकते हैं आप, ये त्रिपाल डाला गया है और यहाँ चारपाई बिछाई गई है जुगाड़ के माध्यम से त्रिपाल। और ये हमारा गेहूं का खेत है, जैसा कि अभी आप यहाँ देख सकते हैं, ये गेहूं का खेत है ये पूरा। इधर आगे का गेहूं आप देख सकते होंगे कि जानवरों ने, योगी जी की सेना ने चर लिया है। लगभग हर सीजन में हमारा इतना नुकसान होता है, जैसा कि हमने एक वीडियो में धान में अपने दिखाया था, धान में भी चर लिया गया था। तो यहाँ पर जानवर जो हैं, जानवर बहुत बुरी तरह हैं और जानवरों से कोई निदान नहीं मिल रही है किसानों को, जैसा कि आप फसल देख सकते हैं। ये हमारी गेहूं की फसल है, देख सकते हैं, ये हमारी करीब आधी फसल का, हमारे आधी फसल का नुकसान हो गया है। इधर अतुल भैया जी आ रहे हैं पीछे से और ये आज शिकार करने के मूड में हैं, आज शिकार करना चाहते हैं। इनके हाथ में हथियार भी है, रुको पास आने दो तो हथियार हम दिखाते हैं आपको, कौन सा हथियार इन्होंने लिया है। ये बिना लाइसेंस का हथियार है दोस्तों, ये जुगाड़ू हथियार, इसको गुलेल के नाम से जाना जाता है। के वीरू सिंह जी हैं, ये भैया यो हनी सिंह के नाम से जाने जाते हैं और हनी सिंह के बहुत बड़े फैन हैं। हनी सिंह का रैप भी बहुत अच्छा है ये गाते हैं। हम चाहेंगे कि बीरू भाई हमारे दर्शकों को एक दो रैप, छोटा सा रैप जो आपको याद हो वो सुना दीजिए, जो कि अभी हनी सिंह ने लॉन्च ही नहीं किया है, केवल ऑडियो पर लॉन्च किया है। थोड़ा हम चाहेंगे आपसे, गुजारिश करेंगे थोड़ा करीब आकर के, थोड़ा सा आप... मेरी नजरों में हूर परी, इतना तो बताना कि दूर खड़ी, एतवार इंतजार रास ना आए, जिक्स तेरा घर तू पास ना आए, वोटका पर छोटे छोटे शॉट तेरे नखरे भाई, इतने करो इस गॉड, आई लाइक पूजी गोरी डांस लाइक होनिंग श्योर, तेरे को बोले के लिए मित्रा ने इग्नोर। ये हमारे बीरू भाई ने अभी हनी सिंह का एक रैप सुनाया, जो कि अभी कोई जो आपका सबसे पसंदीदा हनी सिंह का रैप हो, जो सबसे आपको पसंद हो वो आप थोड़ा सा गुनगुना दी। लव डोज सबसे आपका अच्छा फेवरेट है, काफी व्यूज मिले थे उस पर, जनरेशन के साथ काफी बढ़िया गाना, आज भी हिट है। अच्छा, ये चांद रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखों पे है चश्मे का पहरा, चश्मे को हटा लो, आंखों को मिला लो, आंखों के नकीले जाम आंखों से पिला दो, मुझे लगता हम पहले कहीं मिले या हुआ, मुझे भेजा हूँ इधर उधर किधर, देख गर्ल आई एम टॉकिंग टू यू, आंखों से मिलाए आंखों से फरमाओ जी, दुनिया वाले जो भी बोले हमसे ना घबराओ जी। यो हनी सिंह, ये वीरू भाई ने डांस स्टेप दिखाया, अभी हम इनको म्यूजिक सुनाते हैं कि किस आलू की फसल, देख सकते हैं ये आलू है, इसको अभी, ये जो पौधा है आलू का, ये अब आलू खोदने के लायक हो गई है, इस पौधे को हम ऐसे अभी काट देंगे, ऐसे ऐसे, ये देखो आलू निकल रही है ये भाई। लड़का लोग अगर दारू, लड़की लोग अगर मेकअप कर जाता है तो फिर मुंह से सिर्फ अंग्रेजी निकलती है, जैसा कि जैसे लड़कों को ऐसा, अरे आम करती हो, सुबह शाम करती हो, अपने लिए करती हो, कौन सा एहसान करती हो, रोज पार्क पूरक जाती हो, कितना
इतना दौड़ लगाती हो, सैलड फैलड खाती हो, कैसे जिंदा रह पाती हो, अच्छा खाओ, कॉलेज जाओ, फ्रेंड बनाओ, उम्र तुम्हारी क्या है, इतना वजन उठाती हो, सुपर मॉडल बनने जावा, इतना दी है हर शरत बैठ नू। ये क्या था वीरू भाई? इक्का सिंह। ये इक्का सिंह था? इक्का सिंह। अच्छा, इक्का सिंह था ये। अभी वीरू अतुल भैया शिकार के चक्कर में आप देख सकते हैं घूम रहे हैं, जैसा कि अभी हमने बताया आपको कि अतुल भैया शिकार के लिए निकल लिए हैं। तो आइए देखते हैं, शिकार इन्होंने घायल कर दिया है और अतुल भैया का शिकार यहीं बनाने का मूड है। आज खेत में ही पार्टी होगी, मिनी पार्टी। तो आइए दिखाते हैं भैया, शिकार अभी आपने मार दिया क्या? शिकार आ गया, शिकार आ गया भैया, लाओ 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 भैया लाओ। अब हम लोगों ने चिकन पकड़ लिया है और चिकन तंदूर बनाने का मेकिंग प्रोसेस चालू करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, भैया जी ने हाथ में चिकन पकड़ा हुआ है और हम अब इसको काट के चिकन तंदूर के लिए रेडी करेंगे। उसके बाद का प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे। आज हमारी लोगों की यहाँ पर खेत में ही पार्टी होने वाली है। जैसा कि अभी हम चिकन काट दिए हैं और इसको चिकन तंदूर बनाने के लिए मेकिंग प्रोसेस चालू कर दिए हैं। अभी इसके लिए हमने एक केले का पत्ता लिया है, उस पर चिकन रखा हुआ है और इसमें अभी मसाला का लेप लगाएंगे, जिससे कि तंदूर के लिए रेडी होगा हमारा ये चिकन। अब हम चिकन में ये मसाला का प्रोसेस करेंगे, मसाला लगाएंगे थोड़ा थोड़ा, उसके बाद इसको पकने के लिए आग का सहारा लेंगे। तो भैया जी से हम कहें चाहेंगे कि भैया जी अब थोड़ा आग का इंतज़ाम करें, तब तक हम चिकन में मसाले का लेप लगा लेते हैं, तंदूर के लिए रेडी कर लेते हैं चिकन पीस को। उसके बाद इसको हम आग में डालेंगे पकाने के लिए। अच्छी तरह से इसमें मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च इत्यादि जो भी मसाले हैं, देसी मसाले, सब लगा के इसका लेप, उसके बाद इस केले के पत्ते में बांध दिया जाएगा इसको। उसके बाद आग में डाला जाएगा पकाने के लिए। तब तक दोस्तों, चिकन में हम अभी मसाला लगा रहे हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल पर हमारे, यदि पहली बार अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके और लोग वीडियो देख सकें। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारे वीडियो को और सपोर्ट करें। आज हमारी लोगों की पार्टी इसी खेत में मनाई जाएगी, चिकन तंदूर यहीं पकाया जाएगा और उसके बाद चिकन तंदूर का आनंद लिया जाएगा, लजीज चिकन तंदूर। आज हम बिना बर्तन के और बिना किसी घरेलू सामग्री के हम लोग यहीं खेत में चिकन तंदूर बनाएंगे और पकाने का प्रोसेस आपको दिखाएंगे। जैसा कि अभी देख रहे हैं, हमने मसाला का लेप लगा लिया है और इसको इस केले के पत्ते में चिकन को बांधने का प्रोसेस चालू हो गया है और इसको अभी हम इस केले के पत्ते में अच्छी तरह से बांध लेंगे, ताकि आग की राखी या इत्यादि और कुछ पदार्थ ना जा पाए अंदर। उसके बाद इसमें ये देख सकते हैं, जैसा कि अभी हमने आग में डाल दिया है ये तंदूर पकने के लिए। अभी आप देख रहे हैं तंदूर हमारा पक ही चुक रहा है, काफ़ी समय हो गया, हाथ व्यस्त होने के कारण हमने वीडियो उस समय नहीं बना पाया, क्योंकि हाथे में हमारे मसाला लगा हुआ था, जिसकी वजह से हमने उस समय वीडियो नहीं बनाया। जैसा कि आज के वीडियो में हमारे अतुल भैया हैं हमारे साथ में और ये एक लड़का ये साथ में बैठा हुआ है। अभी आप देख सकते हैं तंदूर हमारा पक के रेडी हो गया है। अभी हम आपको ये दिखा रहे हैं, केले का पत्ता ओपन कर रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि चिकन तंदूर हमारा पक के रेडी हो गया है अच्छे से। इसको अभी हम टेस्ट के लिए पहले सबसे पहले भैया जी को देंगे, टेस्ट करके ये बताएंगे कि हाँ कैसा चिकन तंदूर पका है कि नहीं पका है, क्या स्वाद है। अभी ये पत्तल का उपयोग कर रहे हैं हम, ताकि मिट्टी ना लगे। ये आप देख सकते हैं कि पक गया है, कैसा हमारा चिकन तंदूर पक के एकदम रेडी हो गया है। ये देखिए, हम अभी अब लेग पीस तोड़ेंगे और भैया जी को देंगे चिकन तंदूर चेक करने के लिए। चेक करके भैया जी बताएंगे कि इसका टेस्ट क्या है, पका है कि नहीं पका है। तो भैया जी लीजिए इसको, चेक करके आप बताइए कि हाँ ये कैसा पका हुआ है।
वाह एक नंबर लाजवाब, एकदम स्वादिष्ट बना है, एकदम एक बेहतरीन चीज़ बनी है, एकदम फर्स्ट क्लास। वाह क्या बात।